नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां शराब दुकान के विरोध में ही रीवा के NH7 इलाहाबाद रोड बजरंग नगर के गेट के लगे महिला इकट्ठा हुए के शराब दुकान के विरोध में सड़क में उतर आई। अपने को बताए दी के गुड़ चौराहा में खोले जाए वाली शराब दुकान के कड़ा विरोध के बाद जहाँ आज वही जगह में प्रशासन के मौजूदगी में दुकान का खुलवाए देगा, तो वहाँ अब बजरंग नगर में ही शराब के दुकान के विरोध में ही महिला सड़क में बैठ गई। हम खबर रीवा से है, जहां नई शराब दुकान के खुलते जनता में ही आक्रोश देखे का मिल रहा है। शिवसेना पार्टी शराबबंदी का लेके अपन समर्थन दीन आई सुनी थे पार्टी कार्यकर्ता का बता रहे हैं। हम नई दारू की दुकानें खोली जा रही हैं और ऐसी जगह में खोली जा रही हैं जहां पे सामने ही कन्या विद्यालय हैं और कई कई विद्यालय संचालित हैं, हॉस्पिटल है और मंदिर है, देवालय वहाँ पे है, किंतु वहाँ पे इस तरह दारू की दुकानें खोली जा रही हैं। इससे रीवा में शांति भंग होने की संभावना है और राहगीर और बच्चों के साथ गलत वहाँ पे कृत्य होने की संभावना है। हर सामानों में मूल्य वृद्धि हो रही है, पेट्रोल में, डीजल में, रसोई गैस में, हर चीज़ों में, लेकिन दारू में रेट क्यों गिर रहा है? यदि दारू में रेट गिर रहा है, दारू ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा लोगों की मानसिकता में गिरावट आएगी और इस तरह से अनैतिक कृत्यों में वृद्धि होगी। रीवा में ही फूड पॉइजनिंग के 4 जने शिकार हुई के हम बतावागा कि 2 दिन पहले तिवारी परिवार व्रत खातिर कलिंदा खरीदे रहे, पर कलिंदा खाता है अचानक सबका उल्टी दस्त हो लग। सभी जने का रीवा के सिंगल नर्सिंग होम में भर्ती करावा का हबे। घटना ये परसों का है, दोपहर में हमारी वाइफ का ये था व्रत नवरात्रि का, तो उन्होंने ये एक दुकान से कलिंदा लिया है ठेले से, और वो कलिंदा मेरी वाइफ ने, मेरे 2 बेटे हैं, 5 साल का, 1-12 साल का, और मेरे पिताजी हैं 65 साल के, इन्होंने सब ने 2-2, 3-3 पीस जो भी कलिंदा, मतलब पूरे कलिंदा केवल आधा पीस में ये 4 लोग खाए हैं, आधा पीस तो फिर फेंक दिया गया, तो मतलब आधे पीस में ये लोगों ने 2-2, 3-3 पीस करके खाए हैं, और उसके बाद रात में ये लोग खाए हैं करीबन शाम को 5-6 बजे, और 11 बजे रात से इनको उल्टी और दस्त चारों लोगों को लगातार हो रही थी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता अशफाक खान के घरे में ही कुछ समय पहले चोरी भय रही है, जहां चोरी के बाद आरोपी घरे में आग लगाए दिए रहे और उनका लाइसेंसी बंदूक उठाए लगे रहे। घटना वो समय भय रही जब परिवार धार्मिक यात्रा में रहा, वह सम्मार का सकन ने चोरी के बंदूक बोरा में बांध के बाउंड्री के भीतर परी मिली हबे। वहां या पुलिस CCTV के फुटेज का हेर रही हबे, जने से के आरोपी के कुछ सुराग मिल सके। रीवा में जिला प्रशासन के बुलडोजर चलावे के ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार हो रही हबे, जोने माही सिरमौर में दुष्कर्म के आरोपी शिवेंद्र गुप्ता के घरे का प्रशासन निस्तेनाबूद कर दी। रीवा माही हरबरी के चक्कर में एक खड़े ट्रक में दूसरा ट्रक सकाएगा। अपने बताए दी के रीवा रतारा बाईपास रोड में ही इलाहाबाद कई से तेज रफ्तार मावे वाला ट्रक खड़े ट्रक में सकाएगा, जोने का क्रेन से हटावा का हबे। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र में ही यात्री बस पलट गए। बतावा जात हबे कि यह बस गढ़ थाना क्षेत्र के रुझौरी से रीवा आवत रही है, जेकर के स्टेयरिंग फेल होए के कारण बस अनियंत्रित हो गए और पलट गए। इस घटना में ही बस में सवार एक युवक के मौके में मौत हो गई है। घटना के जानकारी के बाद मौका में पहुंची पुलिस घायलन का उपचार खातिर अस्पताल पहुंचाई है। रीवा जिला के हनुमना मांगलिक भवन में TL बैठक के आयोजन कीनगा, एमा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में CM हेल्पलाइन प्रकरण के निराकरण खातिर गेहूं उपार्जन संबंधित माफिया नल जल योजना PHE विभाग का निर्देश दीनगा, तो वहाँ आकांक्षी योजना के साथ है जरूरी विषय में ही समीक्षा कीन गए कि जिला अधिकारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी जाए,
अपने विभागीय अधिकारियों से वहाँ की समस्याओं को समझे। टीएल में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं आ पाते, तो कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह की बैठकें ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित की जाएगी। रीवा से शहडोल पहुंची पुलिस की टीम, वन परिक्षेत्र कार्यालय जय सिंह नगर माही आरोपी के शासकीय मकान में दबिश दे के कार्रवाई करी। में अपना का बताई दी के कृष्ण कुमार तिवारी के ट्रैक्टर ट्राली का जब्त कर लिए रहे। वह जब्त ट्रैक्टर का छोड़े खातिर वन परिक्षेत्र जय सिंह नगर के रेंजर महेंद्र यादव 50,000 रुपया के रिश्वत मांगे रहे। वह लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के मामला का सत्यापन करे के बाद रेंजर महेंद्र यादव का रंगे हाथ पकड़ी। और अब खबर पन्ना से है, जहां जिला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक विशाल पद संचलन के आयोजन की इनका जोने माही जिला भर के कार्यकर्ता ए आयोजन में भाग लेन और पन्ना जिला के मुख्य चौराहन से हुई के संचलन निकारा गा। ए संचलन माही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हजारन कार्यकर्ता शामिल रहे हमा। जिला माही शिक्षा के स्तर लगातार गिरते जाला हवे, खासकर कोरोना के चलते पिछले 2 साल से छात्रन के पूरी पढ़ाई चौपट हुई गई। ऐसे माही नई गढ़ी थाना क्षेत्र के गिरवारी सिगरान के संकुल और जन शिक्षा केंद्र इटहा कला के छात्र विद्यालय का ही 10वीं तक कराए के मांग करी नहीं बे। अपना बताई कि हमें के मार्मिक अपील कर के छात्र बताएं कि यह स्कूल 6वीं से 8वीं तक चला था वह, जोने के चलते लड़कन का ही दूरी दूरी से पढ़ाई खातिर आए पड़ा था। मेरा यह निवेदन है कि ये जो स्कूल गिरवारी में है तो कोई स्कूल सरकार द्वारा 10वीं तक स्कूल को कराया जाए। हमारे गांव में एक माध्यमिक स्कूल है लेकिन वो 6 से 8 तक ही है और हमको 10वीं तक पढ़ने के लिए गंगेव जाना पड़ता है, जिससे हमको समस्या होती है। और अगर सरकार द्वारा 10वीं तक स्कूल बनवा दिया जाता है तो हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी, हमको जाना भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा और हमको 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो हमारा शासन से ये निवेदन है कि हमारे गांव गिरवारी में 10वीं तक स्कूल बनवाने का कृपा किया जाए। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।